नमस्कार, आप सभी का स्वागत है किस्मत कनेक्शन में। मैं हूं आपके साथ पूजा कविया। किस्मत कनेक्शन में हम बात करते हैं आपके भाग्य की, आपके दिन की, आपके सितारों की। तो आज का किस्मत कनेक्शन बहुत ही खास है क्योंकि आज भैया दूज का दिन है। जी हाँ, तो भाई दूज के दिन आप लोगों को अपने भाइयों की पूजा कैसे करनी है, आप कैसे उनकी लंबी उम्र की दुआ मांग सकते हैं, आज का खास कार्यक्रम आप सभी बहनों के लिए है। और यही बताने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी है। हमारे साथ रंजना राणा जी जुड़ चुकी हैं जो कि टैरो कार्ड एक्सपर्ट है। बहुत स्वागत है रंजना जी आपका इस कार्यक्रम में। आज हम रंजना जी से जानेंगे कि कैसे आप भैया दूज के इस दिन को और भी खास बना सकते हैं। बहनें इस दिन अपने भाई को क्या कुछ गिफ्ट दे सकती हैं, किस तरह के उपहार दे सकती हैं, साथ ही भाई अपनी बहन के लिए सुरक्षा के लिए किस तरह से बात कर सकते हैं, इसको लेकर खास बातचीत हम करेंगे। साथ ही जानेंगे कि आज के दिन का महत्व क्या है। तो सबसे पहले तो सभी दर्शकों को हम भैया दूज की बहुत बहुत मुबारकबाद दे देते हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और रंजना जी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। क्या है भैया दूज के दिन का महत्व, किस तरह से इसका इतिहास जुड़ा हुआ है, किस तरह से इसकी कथाएं हैं, सब कुछ जानना चाहेंगे। सबसे पहले सब लोगों का हार्दिक शुभकामनाएं, सब भाई बहनों का प्यार बना रहे उसके लिए सबको बहुत ही बहुत शुभकामनाएं हम देते हैं। ये तो जो यम और यमुना, इनकी जो अटूट प्यार था दोनों बहन भाइयों के लिए, उसका एक प्रतीक है। इस दिन ये बहन भाई अपने आप को मिलते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा समय व्यतीत करते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि जब कृष्ण जी नरकासुर का राक्षस का वध करके आए थे तो उनकी बहन सुभद्रा ने उनके ऊपर ये भाई दूज का ये टीका लगाया था, वो इसी दिन यही दिन था। तो ये टीका लगाने से उन्होंने उनकी रक्षा की कामना की थी और उनसे उनकी खुशी और उनके हमेशा एक प्रॉस्पेरिटी उनकी लाइफ में बनी रही उसके लिए उन्होंने पूजा की थी। और इसके साथ ही साथ उनके भाई कृष्ण जी ने उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा आशीर्वाद दिया था। इसी दिन हम देखते हैं महावीर जी जो थे उनका भी, उनको इनलाइटनमेंट मिली थी, उनको मोक्ष मिला था। तो आज का दिन देखा जाए तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर दिन है। और आज का दिन हम अपने भाइयों से, हम भगवान से, हम सब से जितना भी आशीर्वाद ले सकते हैं बहनों को लेना चाहिए। अपने जहाँ पे भी भाई हों उनसे प्यार से उनको याद रखना चाहिए और उनको डेफिनेटली आज के दिन याद करके या उनके घर जाके, कोई भी कभी मन मुटाव रहा हो उनसे, वो भूल भुला के उनके पास जाएं। जो इनके भाई बाहर हैं, अब्रॉड हैं, उनको भी उन्हें याद करना चाहिए, उनकी फोटो पे तिलक लगाना चाहिए एंड डेफिनेटली उनके लिए बहुत ही ज़्यादा कामना करनी चाहिए। तो चलिए, ये तो हमने जान लिया है कि आज का दिन आप किस तरह से मना सकते हैं, आप आज के दिन को अपने भाइयों के लिए किस तरह से एक अच्छा दिन बना सकते हैं। कॉलर हमारे साथ इस बीच श्याम लाल जी जुड़े हैं। श्याम लाल जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका। हाँ नमस्कार जी। हाँ जी, हाँ जी नमस्कार। हाँ जी, मेरा जन्म 19/9/1963 जी, रात के 10 बजे और मुझे करियर में सफलता कदम रहेगी जी, ये पूछना चाहता था मैं। एक बार फिर रिपीट कीजिए प्लीज श्यामल जी। करियर में सफलता कद मिलेगी जी। अच्छा जी, ठीक है, लेकर इनका सवाल है। श्यामलाल जी, हम देख रहे हैं कि आपके कार्ड जैसे आए हैं कि डेफिनेटली आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई हुई हैं, आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, डिप्रेस्ड हैं, मगर आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। आप बहुत मेहनती इंसान हैं, बहुत मेहनत करने वाले हैं। आप अपने मन की जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसको ख़त्म कीजिए, सूर्य को जल देना शुरू कर दीजिए और ज़रूर सूर्य उदय के बाद आधा घंटा सूरज की किरणों में बैठिए, उससे आपके मन का जो मनोबल है वो बढ़ेगा। ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए और रोज गुड़ और काले तिल लगाकर गाय को खिलाइए। आप देखिए बहुत ही जल्दी आपके कार्य भी सफल होंगे, आपके करियर में भी सफलता आपको मिलेगी। तो चलिए, आपको कैसे करियर में सफलता मिल सकती है हमने जान लिया। अगर इस दौरान आपका कोई सवाल है खास तौर पर आज के दिन को लेकर कि आप आज किस तरह के उपहार अपने भाइयों को दे ताकि आपके भाई प्रसन्न रहे, उनकी लंबी उम्र हो, कौन से कलर का गिफ्ट आपके भाई के लिए बहुत अच्छा होगा, लाभकारी होगा, कुछ भी अगर आप भाई दूज के इस पावन अवसर पर जानना चाहती हैं, आप इस कार्यक्रम में जुड़े। टेलीफोन नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके आप सीधा रंजना जी से ये पूछ सकती हैं कि आप आज के दिन को और कैसे अच्छा बना सकती हैं। रंजना जी, हमने इसका महत्व के बारे में तो जान लिया, क्या कुछ कहानी है, किस तरह से भैया दूज का जो पर्व है वो मनाने की जो परंपरा है वो चल रही है, लेकिन अगर हम आज के दिन की बात करें
बहनों के लिए बहुत खास है, भाइयों के लिए बहुत खास है, खास है। तो किस तरह से अगर उपहारों की हम बात कर ले, कौन से उपहार सबसे अच्छे होते हैं, कलर्स के अकॉर्डिंग आपसे जानना चाहेंगे? कलर्स के अकॉर्डिंग हम देखना चाहते हैं कि हर रंग का कोई ना कोई महत्व होता है, जैसे कि हम रोज बताते भी हैं। और जैसे कोई भाई है अपनी बहन को कोई सूट देना चाहता है, या कोई कपड़े का सामान देना चाहता है, या कोई बहन अपने भाई को कोई शर्ट या कोई कुर्ता पीस ऐसे देना चाहती है, तो हम आपको हर रंग का महत्व बता देते हैं। सबसे पहले रंग आता है जामुनी। जो जामुनी रंग होता है वो स्पिरिचुअलिटी का रंग होता है। जब भी आप चाहें कि अपने भाई की लाइफ में स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो, तो उनको जामुनी रंग देना चाहिए। इसके बाद होता है जो हल्का मोव रंग होता है, वो रंग जो होता है वो इंटेलिजेंस का रंग होता है। वो रिसर्चर्स जितने होते हैं, जो प्रोफेसर्स होते हैं, उनके उनको अपने भाइयों के लिए हल्का मोव रंग देना चाहिए। इसके अलावा जो लोग अपना काम काज करते हैं जिसमें कि उनको स्पीच ज़्यादा यूज़ होती है, जो कि टीचर्स होते हैं या जो कंसल्टेंसी का काम करते हैं, वो रंग जो उनके लिए देना चाहिए वो होना चाहिए लाइट ब्लू कलर। अगर आपके ब्रदर डॉक्टर हैं, हीलर हैं, या किसी भी इस तरह का काम करते हैं, तो उनको देना चाहिए हरे रंग की शर्ट। हरा रंग जो होता है वो हीलिंग रंग होता है, ब्लू रंग जो होता है वो रिलैक्सिंग रंग होता है। अब पीला रंग जो होता है वो होता है लो सेल्फ स्टीम, ताकि अपने भाइयों का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए बहनों को उनको पीले रंग की कोई ना कोई वस्तु देनी चाहिए, उससे बहुत ज्यादा उनको फायदा होने वाला है। बिल्कुल, तो बाकी सारे रंगों के बारे में भी जानेंगे। इस बीच हमारे साथ सरिता जी जुड़ी है, कॉलर है। सरिता जी नमस्कार, कहिए। नमस्कार मैम, मैं अपने भाई के बारे में जानना चाहती हूँ। हाँ जी बताइए। मेरे भाई की डेट ऑफ बर्थ है 9 मई 91, बीटेक की हुई है मुझे। बताइए आपको गवर्नमेंट जॉब कब तक मिलेगी या नहीं मिलेगी, उनकी शादी कब तक होगी? ठीक है, जॉब और शादी को लेकर ये अपने भाई के बारे में जानना चाहते हैं। क्या कार्ड्स कह रहे हैं रन्ना जी इनके? गवर्नमेंट जॉब इनको डेफिनेटली मिलेगी, थोड़ा सा समय जरूर है, मगर आपके भाई को गवर्नमेंट जॉब जरूर मिलेगी। एंड इसके लिए आप अपने भाई के लिए भी हम चाहेंगे कि आप 45 दिन के लिए आज से ही शुरू कीजिए सुंदरकांड का पाठ, इसी संकल्प के साथ कि आपके भाई को डेफिनेटली गवर्नमेंट जॉब मिले, तो उसमें उनको बहुत ही ज़्यादा सफलता मिलेगी। दिसंबर के एंड तक उनको गवर्नमेंट जॉब मिलने के पूरे चांसेस हैं। इसके अलावा उनकी शादी का आपने पूछा है, तो उनकी शादी में हम देखते हैं कि बहुत ही अच्छी लड़की उनकी किस्मत में है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुशील लड़की है, और अचानक ही ये रिश्ता आएगा और बहुत ही जल्दी चट मंगनी चट शादी होने वाली चांसेस हैं, और बहुत ही अच्छी लड़की है। ये देखिए आप फरवरी महीने में होने वाला है, फरवरी लगेगा, एक बारी उनकी जॉब लग जाएगी फरवरी महीने में, 15 फरवरी से पहले पहले ये उनका कार्य अवश्य हो जाएगा। चलिए बहुत शुक्रिया आपका। आशा जी हमारे साथ अगली कॉलर जुड़े हैं। आशा जी नमस्कार, आप क्या पूछना चाहती हैं, कहिए। नमस्कार मैडम। नमस्कार। मुझे अपनी बेटी के लिए पूछना है। बताइए डेट ऑफ बर्थ बताइए बेटी की। 18 मार्च 2001। क्या पूछना चाहती हैं आप? मेरी बेटी तो बोलती नहीं है साफ और सुनती नहीं है, इसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, दवाइयाँ भी नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ा इसका, उपाय बताइए। आपकी बेटी का हम देख रहे हैं, उसको लगता है कि कोई ना कोई बात मन में बहुत बैठ गई है, जिस करके वो एकदम परेशान सी, एक थोड़ी सी डिप्रेशन टाइप में लग रही है। तो उसके लिए हम आपको यही सजेशन देंगे कि हर बुधवार वाले दिन रोटी के ऊपर बैंगन जो है वो फ्राई करके लगा के किसी भी गरीब को देना शुरू कीजिए, और रोज़ बाजरा और चीनी का दान करना शुरू कीजिए, और उसको बताइए कि ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, उससे क्या है उसकी हार्ट की मसाज होगी, इमोशनली वो ठीक हो जाएगी, तो आगे डेफिनेटली ठीक हो जाएगी, आप एकदम इसके बारे में फिक्र मत कीजिए। तो चलिए जो आपको उपाय बताया गया है उस उपाय को जरूर मानेगा। साथ ही आज का हमारा जो किस्मत कनेक्शन है वो भाई दूज को लेकर है, आज का कार्यक्रम बहुत ही खास है, तो भाई और बहन भी इस कार्यक्रम में जुड़े। जो भी आप पूछना चाहते हैं एक दूसरे के बारे में पूछिए, और फिर देखिए वो प्यार और वो स्नेह जरूर आप एक दूसरे को दे पाएंगे। रन्ना जी हमने कलर्स की भी बात कर ली है कि कौन से कलर्स क्या सूट करते हैं और किस तरह की शर्ट या किस तरह के कलर का आपको उपहार देना चाहिए। अब अगर हम बात करें कि आज का जो दिन है कितना स्पेशल है, बहनें आज के दिन क्या कुछ खास कर सकती है, किस तरह के मंत्र पढ़ सकती है, जैसे आपने अभी कहा कि सुंदरकांड का पाठ एक बहन को कहा वो करें तो अच्छा रहता है,
और क्या कुछ करना चाहिए बहनों को? बहनों को अपने भाइयों के लिए अगर वो करना चाहें तो डेफिनेटली इसमें हम सुंदरकांड का पाठ बताते हैं। हम उनके लिए एक माला रोज अगर वो मृत्युंजय जाप की भी करेंगे ताकि भाइयों की स्वास्थ्य ठीक रहे, वो भी बहुत उनके लिए लाभकारी होगा। दो रोटी और गुड़ रोज अगर अपने भाई का नाम के निकालेंगे उससे भी इनका संबंध भी बहुत इम्प्रूव होगा और डेफिनेटली आपके भाई की लाइफ में बहुत ही ज्यादा सक्सेस आने वाली है। ये छोटे छोटे उपाय हैं, इनको अगर आप करना शुरू करेंगे आप डेफिनेटली रियलाइज करें कि बहुत ही ज्यादा आपको इनसे फायदा होने वाला है। जितनी भी आप अपने भाई से प्यार बढ़ाएंगी, संबंध बढ़ाएंगी, उनके आशीर्वाद से आपकी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा सक्सेस मिलने वाली है। ये दो तरफों का प्यार जो है बहुत पावन है, बहुत सुंदर है और ये रिश्ते को हमेशा हमको कायम करना चाहिए। कोई भी छोटी मोटी बात हो सबको भूल भुला के अपने भाई के साथ अपना संबंध बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे रखने चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम एक दूसरे से प्यार करेंगे, स्नेह करेंगे, भाई बहन का रिश्ता वैसे भी इतना टूट होता है, इतना चुलबुला होता है, तो अगर आप भी अपने भाई बहन को लेकर कुछ पूछना चाहते हैं, आज के दिन के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, तो ये कार्यक्रम आपके लिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक पर हम जा रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और जानेंगे आज के दिन के महत्व के बारे में और आज के दिन आप क्या कुछ खास कर सकते हैं। हेलो जी, हो जाए। थैंक यू। पताका चाय, पताका चाय, गजब का स्वाद। आओ मिलजुल कदम बढ़ाएं, कामयाबियां हमें बुलाएं, स्वर्ण जयंती से हरियाणा को शिखरों तक ले जाएं। मेरे प्यारे हरियाणा वासियों, हरियाणा स्वर्ण जयंती उत्सव का उद्घाटन 1 नवंबर 2016 को शाम 5:30 बजे साउ देवीलाल स्टेडियम सेक्टर 38 गुरुग्राम में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया जाएगा। यह एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा जिसमें वर्ष भर चलने वाले स्वर्णिम हरियाणा समारोहों की शुरुआत होगी। इस अवसर पर राज्य की समृद्ध कला और संस्कृति, गौरवशाली इतिहास एवं विरासत, उल्लेखनीय प्रगति एवं विकास तथा उपलब्धियों पर जीवंत प्रस्तुतियां होंगी। अब आपके शहर बहादुरगढ़ में जेडी सेलिब्रेशन बैंकवेट विथ लॉन, यहाँ आप कर सकते हैं कॉर्पोरेट फंक्शन से लेकर किटी पार्टी और शादी ब्याह तक सभी तरह के प्रोग्राम्स के लिए बेहतरीन लॉन और हॉल, साथ ही रूम फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। एकदम शुद्ध वातावरण के साथ फुली एसी और सभी के लिए पार्किंग लॉट, और वो भी बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में। हमारा पता है दिल्ली रोहतक बाईपास के नजदीक झज्जर रोड बहादुरगढ़। स्मूथ ड्राइविंग के लिए पेश है एडवांस तकनीक से निर्मित एराबॉल लुब्रिकेंट्स। इंजन में ताकत लाए, माइलेज बढ़ाए, एराबॉल लुब्रिकेंट्स इंजन में भर दे दम। गरम पकौड़े रह गए छोड़े, कोई काम नहीं जो लगन से करे वो पूरा, बड़े बड़े सपने हो पूरे कोई न रहे अधूरा, जो भी कर जी जान से कर खुशी अभी होगी बारिश। जीवन के सफर में जी जान लगा देने वालों का फोन जीवी। आपके सपनों का घर अब बना हकीकत। रेवाड़ी की सबसे सुंदर टाउनशिप गुरुटेक सिटी रेवाड़ी, NH 8 से 2 किलोमीटर से भी कम की दूरी पर। यहाँ है फ्री होल्ड प्लॉट्स और फ्लैट्स के इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। आपके बच्चों के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, लश ग्रीन पार्क के साथ साथ आपकी फैमिली के लिए 24/7 सिक्योरिटी। हमारा पता है गुरुटेक सिटी सेक्टर 25-26 गरही बोलनी रोड रेवाड़ी। ICS कोचिंग सेंटर। बेरोजगारी से डरते क्यों हो, मैं हूँ ना। ICS कोचिंग सेंटर पिछले 8 सालों से सरकारी नौकरी पाने में एक भरोसेमंद नाम। अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं तो आप 2 दिन की ट्रायल क्लास ले लीजिए, आपको बेरोजगारी से मुक्ति का रास्ता मिल जाएगा। कैसे पाएं सरकारी नौकरी हर रोज 2:30 बजे।
प्यारे हरियाणा वासियों, हरियाणा स्वर्ण जयंती उत्सव का उद्घाटन 1 नवंबर 2016 को शाम 5:30 बजे ताऊ देवीलाल स्टेडियम सेक्टर 38 गुरुग्राम में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया जाएगा। यह एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा जिसमें वर्ष भर चलने वाले स्वर्णिम हरियाणा समारोहों की शुरुआत होगी। इस अवसर पर राज्य की समृद्ध कला और संस्कृति, गौरवशाली इतिहास एवं विरासत, उल्लेखनीय प्रगति एवं विकास तथा उपलब्धियों पर जीवंत प्रस्तुतियां होंगी। अगर आप हैं लजीज खाने के शौकीन तो वेलकम टू अर्जुन स्वीट्स स्नैक्स एंड बेकरी। यहां है चाइनीज स्ट्रीट फूड से लेकर साउथ इंडियन तक, पिज्जा फास्ट फूड से लेकर मेन कोर्स तक। फ्री होम डिलीवरी के लिए कॉल करें 9905661111 या फिर 9909016711। हमारा पता है 17 लक्ष्मी गार्डन ऑपोजिट पटौदी रोड पुलिस चौकी गुड़गांव। It's always you taking me through. I say the same old thing with you by my side. ये क्या हो रहा है? अगर कपड़े मैंने ही गंदे किए तो मैं ही धोऊंगा ना, मेरी वजह से आपके साफ क्यों खराब हो? Well, Mr. खुददार, कपड़े तो साफ हो गए और आपकी सॉफ्ट सॉफ्ट हाथ अभी भी सॉफ्ट है। मैं भी ना यू ही टेंशन लेता हूँ। लो इसे भी आप साफ कर दो। कपड़े कलर्ड हो या व्हाइट, स्टेन्स की छुट्टी पक्की। कपड़े और हाथ वुश करे खुश। यदि आप अपने शहर में लालवट संस्थान से जुड़ना चाहते हैं, तो अब लालवट संस्थान द्वारा तैयार किया गया लालवट तेल के लिए हर शहर में अपने डीलर बना रहा है, ताकि गुरुजी द्वारा बताए गए असली लालवट तेल बाजार में मिल सके। अभी लालवट संस्थान में बहुत से ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि बाजार में लालवट तेल नकली बिक रहा है, इसीलिए इसे रोकने के लिए लालवट संस्थान अपने हर शहर में डीलर बना रहा है। यदि आप लालवट संस्थान की डीलरशिप लेना चाहते हैं, तो आप अपने शहर में लालवट संस्थान की डीलरशिप के लिए बात कर सकते हैं। ये कदम लालवट संस्थान द्वारा इसलिए उठाया गया है ताकि शहर में नकली लालवट तेल को बिकने से रोका जा सके। आप असली लालवट तेल खरीदते समय देख लें कि डब्बे पर और बोतल पर लालवट संस्थान आयुर्वेदा प्राइवेट INT. लिखा हो। डीलरशिप के लिए संपर्क करें। भाई बहन का प्यार, बीच में है अटूट विश्वास। भाई की उम्र हो हजारों साल, लो आया भैया दूज का त्योहार। देखिए सुबह 8:30 और 11:30 बजे जुग जुग जियो भैया। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। आज भाई दूज का दिन है। आज का दिन आप सभी बहनों के लिए कितना खास और भाइयों के लिए किस तरह से लंबी उम्र ला सकता है, किस तरह से आप उनके लिए पूजा अर्चना करें, कैसे दुआ करें ताकि आप दोनों का जो स्नेह और प्यार का बंधन है वो ऐसे ही बना रहे, यही आज हमें बता रही है रंजना जी। रंजना जी, हमने उपहार की बात कर ली कि किस तरह से भाइयों को खुश किया जा सकता है अच्छे अच्छे गिफ्ट देके। अब जो अहम बात है कि हम जब पूजा करते हैं, पूजा की थाल सजाते हैं, उसमें भाइयों के लिए हम क्या क्या रखें ताकि उनको और अच्छी लगे, दुआ मिले उनको। पूजा की थाली में हमें एक दीपक जरूर जलाना चाहिए, उसके अलावा हमको चावल होने चाहिए और हो सके तो कटोरी में केसर, नहीं तो सिंदूर डाल के या रौली डाल के रखिए। फूल हो जो उनकी पसंद का, आपके भाई की पसंद की जो मिठाई हो सके तो खुद एक कटोरी उनके लिए जरूर बनाए। वो वाइब्रेशंस, वो प्यार के साथ जब आप उनको एक मिठाई खिलाएंगे उससे बहुत ही ज्यादा उनको उसकी वाइब्रेशन मिलेगी, आपका प्यार और आपका संबंध बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव होगा। थाली से जब इस समय हम चक्कर लगाते हैं तो जो आसपास की जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं वो सब चली जाती हैं, और उनको जब हम तिलक लगाते हैं तो हम जो तिलक लगाते हैं वो तीसरी आंख होती है, थर्ड आई है, जिसको हम अजना चक्र कहते हैं। यहाँ पे जब हम तिलक लगाते हैं उससे उनकी सोचने की शक्ति बहुत ही
ज्यादा इम्प्रूव होती है और उनकी लाइफ में एक कामनेस आनी शुरू हो जाती है और उनके मन में एक प्यार और संबंध जो है वो एकदम बढ़ने लग जाता है। वो अपने लाइफ में जो बिजनेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपने करियर में उनको बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेस मिलती है क्योंकि उनके मन में एक शांति स्वरूप उनका मन हो जाता है और वो डेफिनेटली सोचने की शक्ति उनकी बढ़ती है। इसके अलावा उनके मन पसंद की कोई चीज़ जगह आप खुद बना के देंगे, चाहे वो खीर हो, चाहे खोए की बर्फी हो या हलवा हो, जो भी उनको पसंद हो सके तो बहनों को अपने हाथों से अपने भाइयों को बनाकर खिलाना चाहिए। बिल्कुल, तो देखिए किस तरह से आप आज पूजा अर्चना कर सकते हैं, किस तरह से आपको अपनी जो पूजा की थाली है वो आप सजाएं ताकि आपकी भाई की लंबी उम्र हो। भाइयों की हमने बात कर ली कि भाइयों को हम कैसे खुश कर सकते हैं, लेकिन बहनों को, बहनों के लिए भी होना चाहिए। भाई ऐसा क्या करे कि बहन उनके खुश रहे, उसकी भी लंबी उम्र हो, वो भी हमेशा ऐसे ही खुशहाल जिंदगी जिए। देखो भाइयों के मन में एक आशीर्वाद, एक प्यार से जब वो अपने एक विश्वास के साथ जब वो अपने बहन को आशीर्वाद देते हैं और उसके आशीर्वाद में ही इतनी पावर होती है, इतनी वाइब्रेशन स्ट्रांग होती है कि इस समय जो भी संबंध है भगवान करे सबका बना रहे और सब भाई बहन अपने लिए यही कामना करें, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। बिल्कुल, तो देखिए कितनी अच्छी कामना हमने आपके लिए की और साथ ही ये भी बताया कि किस तरह से आप आज का दिन बना सकते हैं, कैसे आप अपने भाइयों की और भाई अपनी बहनों की लंबी उम्र की कामना कर सकते हैं। कोई और अगर आपका सवाल है आप लोग भी इस प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। भाई बहन का बहुत पावन त्योहार है आज, अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है तो आप इस कार्यक्रम में जरूर जुड़े। रंजना जी, हमने काफी सारी बात कर ली, पूजा विधि की भी बात कर ली है और कैसे भाई बहन एक दूसरे को खुश रख सकते हैं वो भी हमने जान लिया है। अगर हम आज के दिन की बात करें और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सब भाग दौड़ वाली जिंदगी में जी रहे हैं, टाइम सबके पास नहीं है, कुछ बहनें फॉरेन में रहती हैं, कोई बाहर है नहीं आ सकती, उनके लिए क्या स्पेशल है, वो कैसे अपने भाई के लिए मनोकामना मांगे? देखिए उनको डेफिनेटली बैठ के किसी भगवान में अपने मंदिर में आराम से बैठ के उनको पूजा अर्चना करनी चाहिए, अपने भाई की तस्वीर लेनी चाहिए, उसकी आरती उतारें ऐसे ही जैसे उनके भाई उनके सामने हैं, उनके वैसे ही लगा के तिलक लगाए अपने, उससे जो वाइब्रेशंस हैं वो डेफिनेटली आपके भाई की तरफ जरूर पहुंचेंगी। जरूरी नहीं है कि भाई की वहां उपस्थिति इतनी इंपॉर्टेंट है, होने से तो देखो बहुत अच्छा लगता है, मगर अगर वो नहीं आ सके तो डेफिनेटली जो वाइब्रेशंस हैं, जो प्यार की वाइब्रेशंस हैं वो मीलों मील जाती हैं। बिल्कुल, तो देखिए हमने आपको हर एक उपाय बता दिया है, हर वो चीज बता दी है कि कैसे आप भाई बहन के इस त्योहार को मना सकते हैं, कैसे आप दोनों भाई बहनों का जो प्रेम प्यार है, अटूट विश्वास है, एक अटूट रिश्ता है, वो हमेशा हमेशा के लिए ऐसे ही बना रह सकता है, कैसे आप उनको उपहार दे सकते हैं, किस तरह से आप उनको खिला सकते हैं ताकि आपके भाई की तरक्की हो, लंबी उम्र हो, सब कुछ हमने इस खास कार्यक्रम में आपको बताया। रन्ना जी, आप कार्यक्रम में बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अहम चीजें आपने बताई लोगों को, साथ ही आप दर्शक भी इस कार्यक्रम में जुड़े, तो हरियाणा न्यूज की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। ता 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 ता